हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर डेली अपडेट होता है। आज 24 नवंबर 2018 वार शनिवार। मेरे प्यारे साथियों, ये करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अतः आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए डेली अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी पर मैं आपका एक एजुकेटर हूँ, वहाँ पर फॉलो करें और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा लें। इसके साथ ही साथ करंट अपडेट, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD प्रोजेक्ट्स इन 65 जियोग्राफिकल एरियाज GAs इन 129 डिस्ट्रिक्ट अंडर द 9th CGD बिडिंग राउंड रिसेंटली अवार्डेड बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB रिमोटली फ्रॉम विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 9वीं CGD बोली प्रक्रिया दौर के तहत 129 जिलों में 65 भौगोलिक क्षेत्रों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB द्वारा सम्मानित दूरस्थ भवन नई दिल्ली में दूरस्थ रूप में से मैनसिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट न्यूज है, द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी इनॉग्रेटेड द 7th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स IC फॉर टूरिज्म KJ अल्फोंस एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा बिप्लब कुमार देव इन अगरतला त्रिपुरा। त्रिपुरा के गवर्नर प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने अगरतला त्रिपुरा में पर्यटन राज्य मंत्री KJ अल्फोंस और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव की उपस्थिति में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 7वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट न्यूज है, IIM कोलकाता इनोवेशन पार्क एंड इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC हैज साइंड एन MOU फॉर एनर्जिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। IIM कलकत्ता इनोवेशन पार्क और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये थी आपकी राष्ट्रीय समाचार। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की, इंटरनेशनल न्यूज की। द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडिया UAE स्ट्रेटेजिक कॉन्क्लेव विल बी हेल्ड इन द कैपिटल सिटी ऑफ अबू धाबी ऑन 27th नवंबर। भारत संयुक्त अरब अमीरात सामरिक सम्मेलन का दूसरा संस्करण 27 नवंबर को राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज को चेयर द 9th मीटिंग ऑफ इंडिया लाओ PDR जॉइंट कमीशन ऑन बायलेटरल कॉरपोरेशन विद हर काउंटर पार्ट सेलू मैक्सी कोमासिथ इन वियतनाम कैपिटल ऑफ लाओस। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लाओस की राजधानी वियतनाम में अपने समकक्ष सलीम मुकसिय कोमासिथ के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर भारत लाओ PDR संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। अवार्ड्स पुरस्कार, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन वाज अवार्डेड द 3rd सियाजी रतन अवार्ड एस्टेब्लिश्ड इन द मेमोरी ऑफ इस्टवाइल बड़ौदा रूलर सियाजी राव गायकवाड़ 3rd। इंफोसिस को फाउंडर NR नारायण मूर्ति एंड नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा हैव बीन गिवन द अवार्ड अर्लियर। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को पूर्व बड़ौदा शासक सियाजी राव गायकवाड़ 3rd की याद में स्थापित 3rd सियाजी रतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंफोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति और प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को पूर्व प्राप्तकर्ता हैं। नेक्स्ट है, GNU's हिस्पैनिक स्टडीज प्रोफेसर श्याम प्रसाद गांगुली हैज वन मैक्सिको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डन
मैक्सिकाना डेल एगुएला अज टिया मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ द एस्टेक एगल अकॉर्डेड टू फॉरन नेशनल जेएनयू के हिस्पैनिक अध्ययन के प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुख गांगुली ने विदेशी नागरिकों के लिए मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर मैक्सिकाना डेल एगुला एस्टेका एस्टेक ईगल के मैक्सिकन ऑर्डर जीता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल एच अवार्डेड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2080 फॉर एक्सीलेंट वर्क डन बाई द ब्यूरो इन कॉम्बैटिंग ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल क्राइम। यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB पर्यावरण मंत्रालय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2018 के साथ भारत सरकार को पारगमन पर्यावरण अपराध का मुकाबला करने के लिए ब्यूरो द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया है। नेक्स्ट इज अजीज प्रेमजी चेयरमैन ऑफ विप्रो हैज वॉन फोर्ब्स इंडियन लीडरशिप अवार्ड 2080 लाइफ टाइम अचीवमेंट। विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेमजी ने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2018 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। ये थी अवार्ड्स। अब बात करते हैं नियुक्ति अपॉइंटमेंट्स। फेसबुक INC ओवंड मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ऑन इट हैज अपॉइंटेड अभिजीत बोस एज हेड ऑफ व्हाट्सएप इंडिया द लोकल एंटिटी दैट इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन ऑपरेशंस नेक्स्ट ईयर एम्ड कॉल्स टू चेक द स्प्रेड ऑफ फेक मैसेज। फेसबुक इंक स्वामित्व वाली मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख के रूप में अभिजीत बोस को नियुक्त किया है। ये स्थानीय इकाई जिसके झूठे संदेशों के फैलाव की जांच के लिए अगले वर्ष संचालन शुरू करने की उम्मीद है। नेक्स्ट न्यूज है तंजानिया नेशनल जॉयस मयूसा वाज अपॉइंटेड एज एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इरिक सोली हम। तंजानिया राष्ट्रपिता की जॉयस मयूसा को कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहम के इस्तीफे के बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट है बिजनेस न्यूज व्यापार समाचार। पेटीएम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड हैज पार्टनर विद द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC टू ऑफर ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। पेटीएम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने अपने जीवन बीमा पर ऑनलाइन बीमा प्रीमियम भुगतान की पेशकश करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ साझेदारी की है। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप सभी से अनुरोध है कि सारे के सारे न्यूज़ जरूर पढ़ें और डेली न्यूज़ के लिए हमारा चैनल UV कम्पटीशंस सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।